नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरा नाम है श्रद्धा। आप देख रहे हैं लर्न एनीथिंग यू वांट यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी वीडियो जो इंडियन फ्लैग के बारे में है। तो इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार चेक कर लेना। और चलिए इस वीडियो को देखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मम्मा, हो गया, इधर आके दिखा। अपनी आंखों से देख, सिलाई सही हुआ क्या? सारे टुकड़े ध्यान से सिलाई करना है। ठीक है मम्मा। शुरू से। क्यों मम्मा? अरे बेटा, इस काम को ना कारीगर की नहीं कलाकार की आंखों से देखनी चाहिए। अरे सुन, वो 3:2 याद रखना, उसमें एक सूता धागा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है मम्मा। मम्मा, फिर से गलती कर दी। बाएं हाथ से 1 से 24 गिन और दाएं हाथ से खींच के पकड़ कपड़े को, कोई ऊपर कोई नीचे ना हो जाए। चल, आंखों में पानी छिड़क और चालू हो जा फिर से बेटा। सही से करेगी तो खाना मिल जाएगा जल्दी से। सुनो जी, कल सुबह कर सकती है, आज रात भी बहुत हुई है। रात ही तो हुई है, रात खत्म तो नहीं हुई। मम्मा, आज तो खाना बहुत ही अच्छा। एक साइड खत्म हो गया है तो दूसरी साइड खत्म करके ही सोना। गिनती गलत नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। माँ, मैं अभी तक आपकी तरह कारीगर नहीं बन पाई, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं भी परफेक्ट कारीगर बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। जैसे आप सोचती हैं, मैं भी वैसे ही सोचती हूँ। देश का नाम और देश के काम पे गर्व मुझे भी है माँ। पूरी रात पापा के साथ बैठ के ये फ्लैग मैंने बनाया है। गलती होगा शायद, लेकिन दिल में जज्बा आप ही की तरह है कि इंडिया का तिरंगा परफेक्ट बनाएंगे। स्टिचिंग हो, रेशियो हो, डाइंग हो, मैं सब परफेक्ट करूंगी माँ, बस थोड़ा समय दो। कर्नाटका में बंगेरी की कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ भारत की एकमात्र संस्था है जिसको भारत सरकार हमारी तिरंगा बनाने की अनुमति देती है। इस संस्था को संपूर्ण रूप से चलाने का काम संभालती हैं ऐसी कुछ महिलाएं जो आती हैं 3 घरों से। सिर्फ इन्हीं पे वो तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी बनती है जो शान से लहराती है हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अधिकारियों के दफ्तर में। ISI की पहचान इस संस्थे को इन तिरंगों के सारे भारत में बेचने का अधिकार देती है। हर एक तिरंगा BIS के दिए हुए निर्देशों पर पूरी तरह से आधारित है। आकार, प्रकार, धागे की मजबूती या रंग में जरा सी चूक भी बनाने वाले को जेल में डाल सकती है। 9 नापों में बनने वाली ये तिरंगे 3:2 का अनुपात मानते हैं। 18 स्तरों के गुणवत्ता नियंत्रण होते हैं हर एक तिरंगे की। इस प्रक्रिया के 6 धाप होते हैं: कटाई, बुनाई, श्वेतन, रंजन, चक्र मुद्रण, सिलाई, टॉगलिंग।
खादी का बना हुआ सूती, रेशम या वुल ही इस्तेमाल होता है। दो तरह की खादी इस्तेमाल होती है, खादी बंटिंग तिरंगे के लिए और खादी टक कपड़े को खूंटी से बांधने के लिए। खादी टक के लिए 150 सूता होनी चाहिए प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 सूता प्रति इंच और वजन 205 ग्राम प्रति स्क्वायर फुट। BIS द्वारा कपड़े की जांच के बाद ही उसको 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको फिर भगवा, सफेद और हरा रंग किया जाता है। सफेद भाग के दोनों तरफ अशोक चक्र इस तरह से छापा जाता है कि 24 स्पोक्स का संकलन हो। भगवा, सफेद और हरे कपड़ों के 3 टुकड़ों को विनिर्देश के अनुसार सिया जाता है, इस्त्री किया जाता है और बांधा जाता है। उसके बाद BIS उसको फिर एक बार जांचती है और उनके हाँ भरने के बाद ही उन तिरंगों को बेचने की अनुमति मिलती है। तिरंगे की तरफ ये बेमिसाल निष्ठा और निपुणता की प्रति नजर की वजह से ही इन्हीं महिलाओं के ऊपर हमारी तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी आज भी बरकरार है। श्याम स्टील सलाम करते हैं ऐसे माओ को जो देश का गर्व अटूट रखने के लिए अपने बच्चों को बनाते हैं हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। क्या बात है, हम इंडियंस और मुझे आज तक नहीं पता था कि तिरंगे को बनाने के लिए इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ रूल्स को फॉलो किया जाता है। मुझे भी नहीं पता था, आज पहली बार। सही में, एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर, वो सूती 3:2 का रेशो, वो सही में नहीं मालूम था मुझे। और उन लेडीज पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ उन्हीं को, उन तीन फैमिलीज को दिया जा रहा है ये कि वो ही बना सकते हैं और कोई बना सकता है। और क्राइम अगर किसी और ने बना दिया तो, और गलत बना दिया तो भी जेल, हाँ तो भी जेल सर, क्या बात है। और ये वो फ्लैग्स हैं जो पार्लियामेंट हाउस में और भी जगहों पे जहाँ पे लगती हैं, ऑफिस में, इंडिया गेट पे ऑफिस में लगते हैं, या फिर जो ये हमारे जो नेता लोग होते हैं उनके गाड़ियों पे लगते हैं, ये वो फ्लैग्स होते हैं। मतलब इतने ज्यादा एक्यूरेसी से इनको बनाना पड़ता है, लिटरली मुझे नहीं मालूम था। और तभी तो उसकी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट हो रही थी क्योंकि उन्हीं फैमिलीज को आगे उनको सिखाया जा रहा है। पहले मुझे लगा इतनी स्ट्रिक्ट मम्मी, इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रही है, वो ऐसा क्या कर दिया जो इसने स्ट्रिक्ट, खाना मिलेगा तभी, रात भर बनाना है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब इतने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तभी उस चीज में परफेक्ट हो पाएंगे। और सही में बहुत सही लगी मुझे ये वीडियो, और ये इन्फॉर्मेशन लोगों को सीरियसली नहीं पता थी, और मुझे लगता है शायद आप में से भी बहुत लोगों को नहीं पता होगी। यही रीजन है कि हम ये वीडियो लेकर आए। बिल्कुल, इस वीडियो को शेयर करना, हमारी वीडियो शेयर करना, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर करना। इसका ओरिजिनल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेक करना इस चैनल को। और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी है तो, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, कमेंट्स में बताना जरूर कि आपको डिसलाइक क्यों किया है, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी लगती है, आप बताएंगे तभी हम उस कमी को दूर कर पाएंगे। आप अपने सजेशंस दीजिए, आप हमें और एनकरेज करिए, आप ज्यादा देखेंगे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, तभी तो हम और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। बिल्कुल, आप अगर लाइक करोगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी, इस टाइप की और वीडियोस लेते लाएंगे हम, देश दुनिया सबके बारे में कुछ हंसाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ नई जानकारी देने के लिए। तो इस वीडियो को देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ कहना चाहते थे, मैं रोक लिया आपको। मैं कहना चाहती थी कि आप बस हमें ऐसे ही बढ़ावा देते रहें, आप हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहें, तो हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। बिल्कुल, और दोस्तों मैं एक और बात आपको बोलना चाहूँगा, हमने ये रिएक्शन की वीडियोस बनाना अभी भी स्टार्ट किया है, तो मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं रिएक्शन वीडियोस के लिए वीडियो कहाँ से लेके आऊँ। अगर आपके पास कोई वीडियो ऐसी है तो प्लीज़ उसका लिंक हमसे शेयर करें ताकि हम उस वीडियो की रिएक्शन बना सकें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं ये वीडियो में ये इन्वॉल्व भी करूँगा कि आपने मुझे ये शेयर किया है, जिन्होंने भी शेयर किया, तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में कमेंट कर देना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन जय हिंद, नमस्कार।